हरे कृष्ण राधा रानी की। ओम ज्ञान तिमिरं दश ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। राधा करावचित पल्लव बल्लरीके राधा पतांक विलस मधुरा स्थलीके राधांज समुखं खंगांग बलीके राधा विहार विभिने रमतांग मनो में। बोलो हरे कृष्ण। सब घुमा के सब सभी बोले जोर से कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। और एक बार जोर से जोर से लास्ट में हरे राम हरे राम राम राम। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में अभी जहाँ आए हैं ये राधा कुंड है। हम सुन रहे थे ये अभिन्न वृंदावन है, इसलिए वृंदावन श्री नवद्वीप धाम परिक्रमा करने पर वृंदावन धाम का परिक्रमा अपनी आप मिल जाती है। इसलिए हम राधा कुंड का तट पर हम बैठे हैं। अभी महाराज लोग सिद्धांत महाराज तो हम जो बोलना चाह रहे थे वह सब कुछ उन्होंने सुना दिया। हम सोच रहे ये बोले ये बोले, इसलिए राधा रानी हम लोग राधा रानी की महिमा श्रवण किया, क्योंकि तथा राधा प्रियम कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपेश सर्वैका विष्णुर रतंत वल्लभा। इसलिए राधा कुंड और राधा रानी में कोई फर्क नहीं, राधा रानी ही ये राधा कुंड रूप धारण किए हैं। बोले श्रीमती राधा रानी की। और ये स्थान का नाम है कोबाला। ये कोबाला का मतलब क्या है? को मतलब ये कौन है, बाला मतलब ये लड़की है कौन है? इसका मतलब राधा रानी जब प्रकट होती है, राधा रानी की ऐसे अद्भुत इनकी तेज की अंगकांति, शरीर की अंगकांति ऐसे है जिसको देख करके कृष्ण स्वयं जिनके रूप को देख करके मुग्ध होकर कहते भैया ये लड़की है कौन है, ये बाला कौन है? इसलिए स्थान का नाम है वो बाला। जिनके प्रेम की बात साधारण व्यक्ति की बात ही छोड़ दे, जिनकी प्रेम की ऐसे गंभीरता है, जिनकी था स्वयं श्री श्याम सुंदर भी जिनकी प्रेम की था नहीं पाते। इसलिए कलयुग में चैतन्य महाप्रभु का रूप में क्यों आए? कारण क्या? बोले कारण है बोले राधा कृष्ण प्रणय विकृति शक्ति रस्मात देकात्मना भूमि पूर्व देह भेद चैतन्य प्रकट मधुना तद्वयम चैतमाप्तम राधा भाव तुझे सुबलुतम नवमी कृष्ण स्वरूपम। जब भगवान कृष्ण संपूर्ण ब्रज कृष्ण लीला में सारे रस को कृष्ण ने आस्वादन की, जो कुछ इच्छा थी, लेकिन इस सारे रस को आस्वादन करते हुए जब कृष्ण गोलोक वृंदावन में पहुंचे, एक दिन निकुंज में बैठ बैठ करके सोच रहे हैं मेरे अंदर में जो कुछ इच्छा थी मैंने सारी इच्छा को पूरी की, लेकिन जो तीन चीज है तो वो तो मेरे दिमाग से अतीत चला गया। वो क्या है? बोले राधा रानी के प्रेम की महिमा क्या है, मेरे अंदर में क्या माधुर्य है जिसको राधा रानी आस्वादन करती हैं, और मुझे जो रस मिलता है उससे करोड़ गुण ज्यादा रस राधा रानी को प्राप्त होती है। जरूर राधा रानी के प्रेम में कोई विशेष चीज है जिसको श्याम सुंदर भी जिनके प्रेम की था स्वयं कृष्ण नहीं पाते हैं। इसलिए कलयुग में तो स्वयं राधा रानी की भाव और अंगकांति लेकर के श्री सचिनंदन गौर हरि बनकर जगत में आते हैं। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं भले अनाराध्य राधा पदम भोज रेणु अनाश्रित वृंदावनम तत अटबिम असंभाष तत भाव गंभीर चिता कुतः श्याम सिंधु रस श्याम गाओ। अगर कृष्ण भक्ति रस समुद्र में कोई अगर गोता लगाना चाहते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी को तो तीन चीज तो जरूर चाहिए, नहीं तो कृष्ण जैसे टेढ़े है ना उनको भक्ति भी बड़ी टेढ़ी खीरी है। बोले वो तीन चीज क्या है? बोले अनाराध्य राधा पदाम भोजरेणु। जब तक राधा रानी के चरण की धूल को हम आश्रय नहीं ग्रहण करते हैं,
राधा रानी की चरण को द्वारा अंकित श्री वृंदावन धाम को जब तक आश्रय नहीं करते हैं, सबसे बड़ी चीज है राधा रानी की प्रेम रस में जो विभावित जो साधु है, जब तक उनकी चरण को आश्रय ग्रहण नहीं करते हैं, बोले कहां वो कृष्णा भक्ति रस समुद्र में तो कहां गोता लगा सकता है। इसलिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, बोले ब्रह्मेश्वरादि सुदोह पदार बिंदम श्रीमत पराग परमात भूत वैभवाया। राधा रानी के चरण की दुर्लभता को बता रहे हैं। बोले ब्रह्मेश्वरादि जिनकी चरण को ब्रह्मा तक भी जिनकी चरण को प्राप्त नहीं कर पाए। इसलिए श्री रूप गोस्वामी लघु भागवतामृत में कहते हैं, श्री नारद जी ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते, बोले पिताजी जगत में तो बहुत सारे भगवान हैं, लेकिन आप राधा रानी के चरण की धूल को पाने के लिए आप लोग बरसाना गए होंगे ना, वो बरसाना क्या, वो ब्रह्माचल पर्वत है, ब्रह्मा स्वयं वहां पर पर्वत बन करके 60,000 साल तक उन्होंने कठोर तपस्या की राधा जी के चरण को प्राप्त करने के लिए। इसलिए ब्रह्मस्तुति वहां पर कहते हैं, तद भूरी भाग्य मिह जन्म किम अटप्याम जत गोकुला भी कथमांग्र राजो भी सकम। लास्ट में जब कृष्ण कहते क्या ब्रह्मा जी क्या मेरा कोई सखी बनना चाहते, बोले नहीं नहीं, बोले सखा, बोले नहीं नहीं, बोले ब्रज में कोई पशु पक्षी, नहीं 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 हम पशु पक्षी भी नहीं बन सकते, बोले क्या, बोले अगर ब्रज का बाहर जो छोटे जाति के लोग रहते हैं उनका अगर पत्थर बन कर अगर हमारा जन्म हो जाए, अगर हुए हमें अपना चरण धूलि से अभिषिक्त कर दे, पत्थर बांध कर चरण रगड़े तो उनकी अगर चरण धूलि मिले तो अपना जीवन को मैं धन्याती धन्य में मानूंगा। हाँ, इसलिए ब्रह्मेश्वरादि शंकर जी देखो कि शंकर गोपी भी बने, ब्रह्म कुंड में नहाया भी, गोपी भी बन गया, लेकिन गोपियों ने क्या किया, चोटी पकड़ कर निकाल दिया गुलचा माल करके, हाँ उनको वहां से निकाल दिया वहां से। इसलिए शंकर जी दरबार के काम कर रहे हैं, लक्ष्मी जमुना का उस पार में बिहाय कमान सुचिर धृत प्रताप, कितने साल से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं अभी तक भी लक्ष्मी वो राधा जी की चरण धूलि को प्राप्त नहीं कर पाए, क्यों, वो अभिमान को वो लक्ष्मी के अभिमान नहीं छोड़ पाए। बोले नारद जी वो भी कठोर तपस्या कर रहे, कहा बोले श्री गिरिराज की तलेट में, उद्धव जी अब सुन रहे थे कहते बंदे नंद ब्रज स्त्रीनां पाद रेणु अभिक्ष जासाम हरि कतो गीत पुनाद भुवन त्रयम। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं पाद रेणु उन्होंने केवल एक धूल की वंदना की, बोले किसकी धूल की, बोले श्री किशोर जी की राधा रानी की चरण की एक धूल को श्री उद्धव जैसे प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए बोले ब्रह्मेश्वरादि, बोले इनकी बात ही छोड़ दो, बोले ब्रह्मेश्वरादि जो आदि स्वर जो कृष्ण है ना, राधा रानी की चरण धूलि कभी कभी कृष्ण के लिए भी दुर्लभ होता है। इसलिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, बोले चत कीन करी सुख बहुसा खड़ो का तुबाणी नित्यम परस पुरुष शिखंड मौले। प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं अगर राधा रानी कभी मानिनी होकर कुंज में बैठी जाए ना और सखियों को बाहर खड़े कर देती हैं, बोले आज कोई काले व्यक्ति को मैं देखना नहीं चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारा जो भ्रू जो काला है ना उसमें भी क्या लगा दो, उसमें भी ये लगा दो चंदन लगा दो, जो चोटी जो काली है ना उसमें भी सफेद फूल से उसको भी सफेद कर दो, कोई काले चीज को मैं देखना नहीं चाहता हूँ, और सखियों को बाहर खड़े कर देते हैं। बोले राधा रानी की बात छोड़ दो, बोले चत किंकर उनकी जो किंकरी दासी है ना उनको चरण में कृष्ण प्रार्थना करते हैं, थोड़ी सी कृपा करके श्री किशोर जी से हमें थोड़ी सी मिला दो। राधा जी की चरण की इतने दुर्लभता है, श्री राधा जी की चरण की अभी सुन रहे थे जहाँ पर कभी जयदेव जिनके हाथ कांपने लग गया, जहाँ पर स्मरक गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम, जहाँ पर कृष्ण अपना राधा रानी जब मानती नहीं मान नहीं मानती है अपना मर मुकुट उतार कर रखते, बोले क्यों, अभी सुन रहे थे कृष्ण को बोले नटवर है सारे नृत्य विद्या में जो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मोर का नृत्य सुंदर नृत्य है, इसलिए कृष्ण मयूर पंख लगा करके कहते हैं जितने नाचने वाले में सर्वश्रेष्ठ। कृष्ण कहते भैया शंकर जी जिसको कहते बम बम बलिहारी, प्रभु के नृत्य देख करके कहते सारे नृत्य विद्या की कला तेरी चरण में,
राधा रानी नहीं मानती, पहले बंसुरी में रख देते। क्यों? इसी बंसुरी से ही कृष्ण सब कुछ काम करते हैं। बंसी गया तो सब कुछ गया, बंसी से गोपियों को बुलाना, गैया को बुलाना, सब कुछ कृष्ण बंसुरी से करते हैं। कृष्ण कहते देखो राधे, ये बंसुरी की जितने ताकत है ना तेरी चरण में। तो भी राधा रानी नहीं मानती, कृष्ण कहते भाई अपना नाम भी तुम्हारी चरण में लिख देता हूँ। कृष्ण नाम भी राधा जी के चरण में कृष्ण रख देते हैं। तब भी राधा रानी नहीं मानती तो कहते हे राधे, तुमने आज इतनी क्यों मान की है, तुम्हारी उदार। कहते थे ये राधा कुंड की तिन्ने महिमा से रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, बोले वृंदा विभिन्न सुरम पी, वृंदावनी कितने महिमा है, उससे श्रेष्ठ श्री रासन मंडली, उससे श्रेष्ठ श्री गिरिराज गोवर्धन। कहते जितने ब्रज मंडल, जितने पृथ्वी का है श्रेष्ठ स्थान को एकत्रित इसकी महात्म भी आप बराबर नहीं कर सकते, ये राधा कुंड की इतनी महिमा। इसलिए कहते स्थान काल और पात्र, ये तीनों दृष्टिकोण से राधा कुंड की श्रेष्ठ। बोले स्थान किया बोले राधा कुंड, बोले राधा कुंड किया बोले स्वयं श्री राधा रानी, जिनको राधा जी को साथ में हम किसी को हम बराबर नहीं कर सकते हैं। स्थान बोले काल, यहाँ पर कौन सा लीला होते थे, बोले मध्यान्ह की लीला। अभी महाराज बता रहे थे अष्ट जाम में जो मध्यान्ह की लीला सर्वश्रेष्ठ है, यहीं पर आकर के कृष्ण विशेष करके पांच लीला करते थे। एक है बोट पास टाइम, एक है जल विहार, तीसरा है हनीपान मधुपान और कुंज लीला, यही पर करते थे। स्थान काल और पात्र कहते हर जगह में चटिला कुटिला की प्रवेश हो जाता है। अगर राधा कृष्ण लीला करते हैं ना, चटिला कुटिला को भी गड़बड़ कर देते हैं। लेकिन ये स्थान गुरुदेव कहते थे संपूर्ण योग माया के द्वारा ये स्थान रखित है, यहाँ पर कोई चटिला कुटिला की प्रवेश यहाँ पर है नहीं। इसलिए स्वच्छंद रूप में यहाँ कृष्ण विहार करते थे और केवल राधा रानी का पक्ष जो गोपी है, दूसरे पक्ष नहीं, राधा रानी की पक्ष गोपियां ही यहाँ पर प्रवेश पाते थे। इसलिए आज हम लोग का बड़े सौभाग्य है, हम संपूर्ण नवद्वीप परिक्रमा किया है, लेकिन कहाँ फिनिश कर रहे हैं। अभी महाराज जी बता रहे थे नियम है, बोले मधुरे न समाप्त है, बंगाल में ना लास्ट में रसगुल्ला से खत्म करते हैं, लास्ट में रसगुल्ला से, यहाँ पर रसगुल्ला भी है, लास्ट में रसगुल्ला से खत्म करते बंगाल में। इसलिए आज हम लोग का जो नवद्वीप धाम परिक्रमा, हम लोग कहाँ परिक्रमा समाप्त किया है, राधा कुंड में ही हम लोगों ने परिक्रमा समाप्त की, मतलब हमारा परिक्रमा सक्सेसफुल है। इसलिए हम लोग यहाँ प्रणाम करते हैं, यहाँ की धूल कणा को स्पर्श करते हैं, राधा जी की चरण में प्रार्थना करते हैं, राधे कृपा करके तुम्हारी चरण की सेवा। लेकिन राधा रानी की दया इतना आसानी नहीं, पहले अपना गुरुदेव की प्रति निष्ठा होनी चाहिए। राधा रानी तो बहुत दूर है यहाँ से, ये पास में नहीं है, राधा रानी बहुत दूर है। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, कबे लोकनाथ मोरे संगे लैया जावे, तेरो पेर पाद पद में मोरे समर्पिबे। मतलब लोकनाथ मतलब मेरे गुरुपाद पद्म, कब ऐसे दिन होगा जो कि हमारे गुरुपाद पद्म हमारे हाथ लेकर कहाँ चले जाएंगे, श्री रूपो मंजरी को पास में। रूपो मंजरी क्या करेगी, फिर ललिता को पास में, ललिता लेकर के हमें श्री किशोर जी की चरण में, फिर किशोर जी कहीं कृष्ण की सेवा दे सकती है। इसलिए कौन पहले, गुरु जी है पहले, राधा रानी नहीं, पहले अपना भक्ति गुरु जी के चरण में करो। जितने भक्ति गुरु जी के चरण में करोगे, गुरु जी कहते थे वही भक्ति बदल करके फिर राधा जी की पुष्ट वचन। এখন আমাদের কৃষ্ণ আমাদের থেকে অনেক দূর, রাধা রানী রাধে রাধে বললো রাধে রাধে পাবনা। এই জন্য সর্বপ্রথম আমাদেরকে সদগুরু চরণ আশ্রয় করতে হবে, মাছ মাছ অন্ডা পিঁয়াজ সব ছেড়ে ছেড়ে দিয়ে, হ্যাঁ আমাদের প্রথমে গুরুদেবের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। গুরুদেব যদি আমাদেরকে কৃপা করেন তখন একদিন নিয়তিনি সেই রাধা রানীর চরণে পৌঁছাতে পারবেন। গুরু ছাড়ি গোবিন্দ ভজে সে পাপি নরক ভজে। ইসলিয়ে পহলে हम अपना गुरु जी की चरण की कृपा को पाने के लिए कोशिश करेंगे। बोले श्री गुरुपाद पद्म की जय, बोले श्रीमती राधा रानी की जय, पिताई गौर ब्रह्मा। आज होली लाए बहुत सारे, ये लाए थोड़ी सी, दो मिनट खड़े हो जाओ, यहाँ होली खेलेंगे। नहीं नहीं लेकर आज हमारे